सियासत की जमीन पर तीन धुरंधरों का साथ राजनीतिक में नया समीकरण या सिर्फ सहयोग का एहसास। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर एक अनूठा नजारा देखने को मिला, जिसने राजस्थान के सियासत में हलचल मचा दी। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में बाड़मेर सांसद उमेदा राम बेनीवाल, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक साथ नजर आए। तीनों ही नेता एक ही गाड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और साथ में सैकड़ों समर्थकों का झुंड उनके साथ काफिले में था। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के वायरल होने के बाद चर्चाओं का दौर और भी तेज हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उमेदा राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव के दौरान दोनों के बीच तीखी बयानबाजी और समर्थकों के बीच टकराव के कई मामले सामने आए थे। चुनाव में कड़ा महामुकाबला देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस के नेता उमेदा राम बेनीवाल ने बाजी मार ली और सांसद बन गए, जबकि रविंद्र सिंह भाटी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी इन तस्वीरों ने यह संदेश दिया है कि सियासी प्रतिद्वंदिता के बाद भी व्यक्तिगत स्तर पर एकता सौहार्द बरकरार है। क्या ये तस्वीर राजनीति में बदलते समीकरण का संकेत है या बस एक सहयोग? इस तस्वीर में बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत भी उनके साथ नजर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये केवल एक सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा था या सिर्फ इस तस्वीर के कुछ और भी सियासी मायने हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मिलन को सराहा है और यूजर्स ने लिखा है कि बहुत ही कम एकता और मजबूत करने का काम किया है, हमें फख्र होता है आपकी युवा नेताओं पर। वहीं कुछ यूजर्स ने भाईचारे की मिसाल बताते हुए कहा है कि राजनीति में ऐसी तस्वीर आना जरूरी है। तीनों नेताओं का साथ आना क्या नई सियासी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है? हालांकि स्थानीय जानकारों का मानना है कि ये केवल एक सहयोग था। कार्यक्रम आयोजकों ने बाड़मेर के सांसद उमेदा राम बेनीवाल, स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और आदिवासी समाज से जुड़कर राजकुमार रौत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। अब ऐसे में इस तस्वीर को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। भले ही इस तस्वीर के पीछे कोई सियासी रणनीति हो या ना हो, लेकिन यह साफ है कि ऐसे मिलन राजनीति के दूसरे पक्ष को उजागर करते हैं, जहां विरोध के बावजूद भी एक साथ आना और समाज के लिए काम करना प्राथमिकता बन जाता है। आगे भी इसी तरह की तस्वीर और घटनाएं राजनीति के बदल के रंगे की गुबाजी देती है। अब ऐसे में आप लोगों की क्या राय है इस पर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।